कई बार हम गूगल ड्राइव में अपने किसी फाइल को अपलोड करते हैं तो वहाँ हमारी नेट की स्पीड बिल्कुल डाउन हो जाती है। अगर हमारी फाइल का साइज 1 GB है तो हमें 15 से 20 मिनट और कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है उस फाइल को अपलोड करने में। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आपकी नेट की स्पीड बढ़ेगी और आपकी जो वो फाइल है वो 2-5 मिनट में ही अपलोड हो जाएगी, चाहे वो 1 GB की हो या 2 GB की हो। तो वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं हेमंत हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और घंटे का बटन भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर हमारी एक वीडियो है, मैं यहां इसकी इन्फो पे क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देखेंगे 1.84 GB की ये वीडियो है हमारी, जिसका रेजोल्यूशन है 3840x2160। और इसको अगर हम यहाँ जी ड्राइव में जो है अपलोड करते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी ड्राइव में और उसके बाद यहाँ अर्श भाई वाले इस पर क्लिक कर देता हूँ, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ और यहाँ से आ जाता हूँ वीडियोस में, फिर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली वीडियो है हमारी और यहाँ पे आ रहा है 1.84 GB। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आ गया है प्रिपेयरिंग टू अपलोड वन फाइल। अब दोस्तों यहाँ से ये प्रिपेयर हो रही है और जब अपलोड होगी तब आप स्पीड देखना और ये चेक करना कि इसको कितना वक्त लग सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारी सिर्फ इतनी ही फाइल अपलोड हुई है ये, और अगर मैं आपको एक बार स्पीड दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 720 KB तक की स्पीड हमारी यहाँ पे आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं उस ट्रिक की जिससे आप इसको बहुत जल्दी अपलोड कर लेंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ड्राइव, उसके बाद आपको यहाँ इस पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आप यहां सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से वहीं आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहां से बैक आइए और यहां आने के बाद जी ड्राइव पे क्लिक करके रखिए, उसके बाद ऐप इन्फो में जाइए, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन बाय डिफॉल्ट्स का, इस पे क्लिक करिए, यहां से इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप यहां से बैक करिए, वापस से आइए यहां क्रोम ब्राउजर में और यहां पे वापस आप इस पे क्लिक कीजिए। यहां क्लिक करने के बाद जो गूगल ड्राइव है वो आपका यहीं पे ओपन हो जाएगा। आप यहां आइए, 3 डॉट पर क्लिक करिए और उसके बाद आप यहां अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहां पे अपने अकाउंट को जो है स्विच कर लेता हूं, ये मैंने अपना अकाउंट यहां पे स्विच कर लिया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब हमें वही वीडियो यहां पे अपलोड करनी है। अब मैं बता देता हूं कि उसको आपको अपलोड कैसे करना है। यहां आइए न्यू पे, उसके बाद आइए न्यू फाइल अपलोड पे, फिर आइए यहां फाइल्स पे और यहाँ 3 डॉट पर आइए, वीडियोस में आइए, वीडियो पर आइए और यहाँ ये रही हमारी वो वीडियो 1.84 GB की, हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अब आप देखिए, यहाँ पे देखो कितना टाइम हमको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अपलोडिंग 1 आइटम और 2 मिनट लेफ्ट, ये हमको दिखा रहा है। और अगर आप स्पीड देखें दोस्तों यहाँ पे तो 18 MB की स्पीड आ रही है, 18 MB की स्पीड, 17-18 ये स्पीड आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना 2 मिनट लेफ्ट दिखा रहा है, यानी 2 मिनट के अंदर ये 1.84 GB की जो वीडियो है हमारी, फाइल है हमारी, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और अभी 2 मिनट से ये 1 मिनट पे आ गया है और इतनी जो फाइल जो वीडियो की वो है हमारी, वो अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों ये वो ट्रिक है जिससे आप अपनी कितनी भी बड़ी फाइल को गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ मिनट के अंदर, और आपकी स्पीड भी बढ़िया आएगी। सो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि इस ट्रिक को आपको कैसे यूज करना है और कैसे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, बड़ी फाइल्स को भी आप चंद मिनट के अंदर अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।